गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बेटा जी, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 9। चैप्टर का नाम है टिश्यू। टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुकी हूँ। आज आपको देखना है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं, आज हमको उसके टाइप्स देखने की, एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जो होता है बेटा जी, ये आपका पेवमेंट मेम्ब्रेन, पेवमेंट सेल भी कहलाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? बॉडी के ऐसे पार्ट्स में जो आपको विजिबल भी हैं और जो आपको विजिबल नहीं भी हैं, मतलब बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे भी ये दिखाई देगा आपको स्किन के लेयरिंग के रूप में, और बॉडी के इंटरनल पार्ट में लाइनिंग के फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा बच्चों। तो देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम को ही हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट डिस्क लाइक पॉलीगोनल सेल। ये दिख रहा है आपको बेटा, थिन है, फ्लैट है, पॉलीगोनल सेल है। ठीक है, इससे मिलकर बना होता है। द न्यूक्लियस इज राउंडेड। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? राउंडेड होगा। ये देखो, दिख रहा है न्यूक्लियस कैसा है? राउंडेड है। यस, बल्गिंग एंड सेंट्रली लोकेटेड। देखो, बीच में, बीचों बीच सेंट्रली लोकेटेड है ये न्यूक्लियस। The margin may be smooth or wavy. ये margin जो है इसका किनारे किनारे का, ये smooth भी हो सकता है और ये wavy भी हो सकता है। दिख रहा है ना बेटा, ये wavy भी हो सकता है, मतलब इसका जो margin है वो irregular type का होगा। ठीक है, फिर कह रहा है, देखो बेटा, जो आपका क्या है एपिथेलियल टिश्यू में, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है, उसके नीचे आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्या होगा, क्या लगा होगा, क्या लगा होगा? पेवमेंट मेम्ब्रेन लगा होगा। मतलब ये देखो, एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगा आपको ये स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर। ठीक है, दी सेल मार्जिन मे बी स्मूथ और वेवी, एडजस्टेड सेल फिट टुगेदर लाइक टाइल्स ऑन अ पेवमेंट और फ्लोर। देखो बेटा, ये बिल्कुल ऐसे लगा होता है जैसे किसी फ्लोर पे टाइल्स लगा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा एक दूसरे से चिपका चिपका होता है। ठीक है, बस एक ही लेयर होती है इसकी, एक ही लेयर देखने के लिए मिलती है। द स्क्वैमस एपिथेलियम इज टू काइंड्स। ये टू टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझो, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं इसको कैसे याद करती थी, किस ट्रिक से याद करती थी? आप लोग कभी भी जो फल्ली और गुड़ की एक पापड़ी बनती है, फल्ली पापड़ी खाए हो? बिल्कुल खाए होगे, चिकी कहते हो ना आप लोग उसको। तो वो उसकी एक लेयर बनती है बेटा गुड़ के साथ, उसमें कहीं कहीं पे इरेगुलरली फल्ली ऐसा चिपका होता है, और उसको चिपका के रखने का काम कौन करता है? गुड़ करता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे टाइल्स के जैसा होता है, और एक ही लेयर होती है। ठीक है, तो मैं कुछ इस टाइप से याद करती थी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से हम जब चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो वो हमको याद रह जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये, है ना? तो आप याद करना कि जो आपका पीनट है उसका जो चिकी बनता है, ठीक है, गुड़ के साथ में जो उसकी चिकी बनती है, जो उसका फल्ली पापड़ी बनता है, बिल्कुल उसके जैसा एक लेयर बना होता है। या अगर एकदम याद करने में मुश्किल जाए, तो ऐसा याद करना कि आपके घर पे कहीं किसी कमरे में खूब सारी टाइल्स लगी हुई है, और वो टाइल्स एक मेम्ब्रेन के नीचे है, सीमेंट की एक लेयर बनी है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर वो टाइल्स है, और वो सिंगल लेयर है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो क्या है, स्क्वैमस टिश्यू है। अब स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम को टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है,
सेकेंड पार्ट जो होता है उसका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे क्या देखना है बेटा जी, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर से मिला है। आपके घर में जो टाइल्स लगी है वो सिंगल लेयर से मिलकर बनी है, ठीक है। फली और गुड़ की जो चिकी बनी है वो सिंगल लेयर से बनी है, ओके। टोस्ट हम खाते हैं वो एक सिंगल लेयर है, समझ में आ रहा है ना। जो सिंगल लेयर से मिलकर बनी हो वो क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर और फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स के सिंगल लेयर से मिलकर बना है तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है। अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है बेटा, ये बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है। एक चिकी के लेयर के ऊपर दूसरा चिकी रख दो, दूसरे चिकी के लेयर के ऊपर तीसरा चिकी का लेयर रख दो, ठीक है। एक टाइल्स के ऊपर दूसरा टाइल्स, दूसरे टाइल्स के ऊपर तीसरा टाइल्स, जब इस तरह से कुछ बना हो तो वो क्या कहलाता है, लेयरिंग जहां पे प्रेजेंट हो बेटा, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स, ओके। नेक्स्ट क्या देखना है आपको, लोकेशन देखनी है इसकी, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ नोज। आपकी जो नोज है उसके लाइनिंग क्या किससे मिलकर बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो किससे मिलकर बनती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है बेटा जी। लंग एल्वियोलाई, लंग की जो एल्वियोलाई है उसकी जो लाइनिंग है वो किससे मिलकर बनेगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनेगी। फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स जो है आपका, लंग्स में ब्रोंकियोल्स मिलता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यस मैम, करता है ना, बोलो यस मैम, यस मैम। ब्रोंकियोल्स और बोमन कैप्सूल, ब्रोंकियोल्स तो आपको लंग्स में मिल जाएगा बेटा, बोमन कैप्सूल आपने शायद ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा। देखो आपका जो किडनी होता है ना, किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, जो एस्क्रिटरी सब्सटेंस को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, एक कैप्स्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है बोमन कैप्स्यूल। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी, नेफ्रॉन का बोमन कैप्स्यूल भी जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ये भी किससे मिलकर बना है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई किसकी बात, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात। ये हमने अभी जितना भी बताया ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का था। अभी हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे मिलता है भाई। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज प्रेजेंट वेयर थिक कवर आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे थिक कवर की रिक्वायर्ड होगी, मोटा मोटा लेयर चाहिए होगा, वहां पे क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी लेयरिंग है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप क्या करो, आप एक ब्रेड लो, ठीक है, ब्रेड पे जैम की एक लेयर लगाओ, जैम की लेयर के बाद में उसके ऊपर एक और ब्रेड लगा लो, फिर उस पर जैम की लेयर लगाओ, फिर एक और ब्रेड लगा लो, और उसको पकड़ो, उसको देखो, वो समझ जाओ बेटा कि बस एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर लगा हुआ है, मतलब क्या है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू है। जब आप खाने पीने की भी कोई चीज़ पकड़ते हो ना, तो थोड़ा सा सोचा करो, ये ऐसा हो सकता है क्या, इसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं क्या, तो चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होने लग जाती हैं बच्चों, ठीक है। सरफेस ऑफ स्किन, स्क्वैमस जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल स्किन की सरफेस पे आपको मिलेगा, ठीक है। ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी को हम ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी के अंदर जो लाइनिंग होगी वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू की लाइनिंग होगी बेटा जी। फेरिंग्स, आपका जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ईसोफेगस वाला पोर्शन है, ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है ना, जो क्या करता है, फेरिंग्स से होके जाता है और स्टमक में जाके ओपन होता है, मतलब फेरिंग्स से स्टमक में जाके ओपन होगा, ठीक है।
तो ये जो आपका स्क्वैमस टिश्यू था, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू था, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बताऊंगी बच्चों। यस बच्चों, अब आपको देखना है फंक्शन ऑफ एपिथीलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू। तो क्या क्या काम करता है ये स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू, मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है, और आपकी जो स्किन है उसका क्या करता है, स्पेशल प्रोटेक्शन करता है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेयर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सबसे पहले समझिए प्रोटेक्शन का फंक्शन। सबसे पहला है इसका, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंडर जो लाइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम डेसिकेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन सूख ना जाए, उसमें से वाटर कम ना हो जाए, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड केमिकल इन टू द बॉडी। ये कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आके इन्फेक्शन ना क्रिएट कर दे, इन्फेक्शन ना कॉज कर दे, उससे भी बचाता है हमको। और क्या करता है बेटा? केमिकल सब्सटेंस, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हमारी स्किन पे गिर गया है या हमारी बॉडी उसके कांटेक्ट में आ गई है, तो उससे भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है? कौन परफॉर्म करता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू परफॉर्म करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो बेटा, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड से जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड से जाके बाइंड हो जाता है, और उसके बाद में ऑक्सीजन ब्लड से बाइंड होके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के हमारी सेल्स में क्या कर दिया जाता है? स्प्रेड कर दिया जाता है, और बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी ब्लड से जुड़ता है और क्या करता है? नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है ना, जिस समय हम ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पे। तो इस प्रोसेस में एल्वियोलाई की लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये इस फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, गैसियस एक्सचेंज को भी करता है, ठीक है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आपको मैंने बताया था आपकी किडनी के अंदर छोटे 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 कई फिल्ट्रेशन करने वाले यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर बोमन कैप्स्यूल होता है, ठीक है, और ये जो बोमन कैप्स्यूल है इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस रहता है, ये क्या करता है? ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस है उसको छानने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो उसको फिल्टर करके क्या कर देगा? वहां पे किसकी लाइनिंग है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस करके नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव कर रहा है, ठीक है। देखिए, लाइनिंग ऑफ बोमन कैप्स्यूल रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, एब्रेशन। अब्रेशन क्या होता है बेटा? अब्रेशन को हम घर्षण बोल सकते हैं, घिसना बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, जो बक्कल कैविटी के अंदर है, ये ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी, इसमें लाइनिंग बना के रखा है ओरल कैविटी की, और स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? अब्रेशन के अगेंस्ट। तो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, स्किन की लेयर घिस ना जाए, समझ रहे हो बच्चों? स्किन की लेयर घिस ना जाए, ओरल कैविटी के अंदर की स्किन की लेयर जो है वो घिस ना जाए, आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे जितना स्किन है वो कहीं किसी से डैमेज ना हो जाए, उसका पूरा ध्यान कौन रखता है? कौन रखता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा जी, इसका फंक्शन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे। यस बच्चों, अब आपको देखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। बेटा, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं इसको कैसे याद करती थी? देखो, सबसे पहला वाला जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? पेवमेंट टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। उसको तो मैंने बताया कि मैं उसको गुड़ पापड़ी जो रहता है किसका बना हुआ? फली पापड़ी है
है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, चिकी कहते हैं, उसकी तरीके से याद करती थी। और आपकी बुक ने बोला कि टाइल्स की जैसे लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो दो तरीके हो गए याद करने के। इसको मैं कैसे याद करती हूँ, इसको मैं याद करती थी पाव भाजी से। पाव भाजी में हम जो पाव खाते हैं ना, तो पाव ऐसे क्यूब के शेप का अलग 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 होता है, बिल्कुल देखो ऐसा बना होता है, ये ठीक है, ऐसा लगा होता है एक के ऊपर एक। ये जो पाव लगा होता है ना, ये जो क्यूब शेप का स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में मैं इसी से याद करती थी कि जो आपका क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है, बिल्कुल वो इसी के जैसा होता है, ठीक है। ये मेरे याद करने का ट्रिक था। तो आप लोग भी इसको याद करोगे तो पाव भाजी करके याद कर लेना, इसके साथ क्यूबॉइडल एपिथेलियल के साथ एक जो ट्रिक है वो याद कर लेना, पाव भाजी। तो पाव भाजी का पाव याद आएगा, एकदम से आपसे डायग्राम भी बन जाएगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब के जैसे सेल्स होते हैं, ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ। इनका जो हाइट होगा और विड्थ होगा वो भी इक्वल होगा। मैंने बोला ना, पाव भाजी में जो पाव होता है इक्वल हाइट का होता है, इक्वल विड्थ का होता है, एकदम वैसा ही क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होता है। लोकेशन कहाँ है, कहाँ मिलते हैं ये, क्या है इनके मिलने की जगह? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड होता है ना, जहां से सलाइवा सिक्रीट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है ये। सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड लेयर ऑफ आई, आई में जो कोरोइड लेयर होती है वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है बच्चों। स्वेट ग्लैंड, जहां से पसीना आता है, स्वेट सिक्रीट होता है, वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, पैनक्रियास हमारा एक क्या है, क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वहां पे भी ये प्रेजेंट होता है। थायराइड के फॉलिकल्स में, थायराइड ग्लैंड जो होता है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, उसके फॉलिकल्स में ये प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस मेल के जेनाइटल ऑर्गन, टेस्टिस एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ओवरी है, वहां पे भी ये देखने को मिलता है। ठीक है बेटा जी, समझ में आ रहा है? देखा, मैंने बना के बता दिया है आपको स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या काम करता है, जहां प्रेजेंट रहेगा, जिस ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा उस ऑर्गन को तो हेल्प करेगा ना काम करने में, समझ रहे हो बेटा? तो जिस जगह पे प्रेजेंट है उस टाइप का ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट, जिस ऑर्गन में ये प्रेजेंट है, चाहे वो टेस्टिस हो, चाहे वो ओवरी हो, चाहे वो पैनक्रियाज हो, चाहे वो थायराइड है, उसका सबसे पहले प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स वेयर इट इज प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन वेयर इट इज प्रेजेंट, जहां पे ये प्रेजेंट है, अभी अभी बताया था मैंने। सिक्रेशन करेगा, अपने अंदर से चीजों को बहा बहा के दूसरे ऑर्गन्स के पास भेजेगा। क्या सिक्रेट करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है बच्चों, जैसे आपके पेनक्रियास का ही एग्जाम्पल ले लो, तो उससे क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट कराएगा। ठीक है, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे थायरॉयड ले लो तो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट कराने में हेल्प करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एब्जॉर्ब भी कर रहा है चीजों को, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी चीज को, हर चीज को अपनी बॉडी में, अपने सेल्स में, अपने टिश्यूज में एब्जॉर्ब कर लूंगा, ये कहता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रेशन इट इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, किडनी में ना। इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स एब्जॉर्ब वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड से आए हुए वेस्ट मटेरियल को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एंड हेल्प इन देयर एक्सक्रीशन।
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ब्लड से आए हुए नाइट्रोजिनस वेस्ट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेगा बेटा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसको बाहर करने में हेल्प करेगा, बॉडी के बाहर रिमूव करने में मदद करेगा। गेमेट फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, टेस्टिस और ओवरी दोनों में मिलता है, तो मतलब मेल का गेमेट स्पर्म और फीमेल का गेमेट ओवम दोनों को बनाने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आया है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए।